गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं टीएस ग्रेवाल का, सिंगल एंट्री सिस्टम का। और इससे प्रीवियस वीडियो मैंने सारी यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो जाके जरूर देखे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 6, 7 और मेरे ख्याल से 10 भी कराया था, और हमने 12 और हमने एक 16 वाली वीडियो भी अपलोड की है। आज जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर आ रही है। सर क्वेश्चन नंबर 15 भी करा दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और विकास ने अपनी बुक स्टार्ट की सिंगल एंट्री सिस्टम पे, उसकी कैपिटल 31 मार्च 2022 की दी है 2,50,000। ये जो कैपिटल दी गई है ये हमें दी गई है बिगिनिंग की कैपिटल, यानी कि 2022 का जो एंड होगा वो 2023 के लिए क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। ये फाइनेंशियल 2023 के लिए क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। और 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल मानी जाएगी ओपनिंग। ईयर एंड की कैपिटल दी है 31 मार्च 2023 की 4,25,000, ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद उसने ड्राइंग्स की, अपने भाई को लोन दिया 30,000 रुपये का पर्सनल अकाउंट से, उसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग्स है, अपने ब्रदर को लोन दे रहा है। दूसरा उसने एक फ्लैट लिया जिसका किराया, सॉरी एक और भी है, इसने 1,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 1,000 पर मंथ करेगा तो 1,000 × 12 करोगे तो कितना आएगा, 12,000 रुपये ड्राइंग्स किए। उसने एक फ्लैट लिया, उसका किराया, जो फ्लैट लिया उसने पर्सनल यूज के लिए लिया, उसका किराया 1,800 रुपये पर मंथ है, और उसका 10% जो 1,800 रुपये पर मंथ दे रहा है उसका 10% कितना हुआ, 180 रुपये उसका वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहा है। साथ साथ में उसने अपना एक और भी है, गवर्नमेंट बॉन्ड थे 50,000 रुपये के 1% प्रीमियम पे बेचे, और उस पैसे को उसने बिजनेस में लगाया, ये उसकी एडिशनल कैपिटल है। क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा टफ भी नहीं है। सबसे पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी देर की क्वेश्चन में, 4,25,000 की कैपिटल है। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड होती है आलोक जी, ड्राइंग्स ऐड होती है, बिल्कुल सही जवाब, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में उसकी तीन है, एक तो है ब्रदर्स लोन, ब्रदर को उसने लोन दिया है अपने पर्सनल अकाउंट से, तो ये भी ड्राइंग्स मानी जाएगी। कितने की लोन दिया उसने अपने ब्रदर्स को, 30,000 का लोन दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने विड्रॉ कितना किया है, 1,000 पर मंथ, साल भर में कितने महीने, 12 महीने, 12 मंथ्स की ड्राइंग कितनी हो गई इसकी, 12,000, यहाँ तक क्लियर है। अब जो उसने रेंट लिया, यानी कि जो हाउस है वो पर्सनल यूज के लिए है, और इसका पैसा वो बिजनेस से दे रहा है, इसका किराया 1,800 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 महीने का कितना हुआ, 21,600, प्लस इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, 21,600 का 10% कितना हुआ, 2,160। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई इसकी, 65,760। टोटल ऐड करो कितना आ रहा है, ये 4,90,760। इसमें से हम माइनस करो, देखो ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल जो होगी वो 31/3/2022 कह लो, या इसे 1/4/2022 कह लो, कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 2,50,000। अब इसने गवर्नमेंट बॉन्ड भी बेचे, और उस पैसे को इसने क्या किया, बिजनेस में लगा दिया। गवर्नमेंट बॉन्ड जो सेल किए हैं उस पैसे को जब बिजनेस में लगाएगा तो ये क्या बन जाएगी, एडिशनल कैपिटल। और जो बॉन्ड सेल किए हैं वो कितने के किए हैं इसने, 50,000 प्लस 1% प्रीमियम पे, 1% ऑफ 50,000, तो ये बन जाएगा हमारा 50,000 प्लस 500 इजिकल टू 50,500, ठीक है। तो ये 2,50,000 प्लस 50,500 जोड़ो तो कितना आएगा, 3,500। इसे माइनस करो कितना रहा, 1,90,260। आगे समझो सबको, तो इसे कहेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट्स और, कोई डाउट नहीं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये देखें, और कोई डाउट्स है बेटा क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट्स, सारे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कोई प्रॉब्लम पूछ रहा था मेरे को,
क्या क्या क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आप लोगों का, 19 वाला आचमन नहीं हुआ, करवाना है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो ये है, क्वेश्चन नंबर 8 सनी जी यहाँ क्लियर है सब कुछ? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 80 है टी एस ग्रेवाल का भी। अगर आप देखें, मुनीश मेंटेन द बुक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द पर्टिकुलर्स सप्लाइड द फॉलोइंग फिगर गैदर टुगेदर 31 मार्च 2023, इसमें बुक डेप्ट, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर एंड फिटिंग, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। मुनीश स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड दैट द फिटिंग 1200 रुपए, ट्रेड क्रेडिटर 4000, ये सब दे दिया। 1 अप्रैल विद कैश 6000, ठीक है चलिए। क्वेश्चन तो आसान है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले तो एक बैलेंस शीट बना दो, इसमें इसमें एक तो बैलेंस शीट बन जाएगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग बिजनेस में जो उसने पैसा लगाया, जब उसमें देखो उसने एक बात कही, मुनीश ने जो स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को, कैश थी 6000 जो उसने बैंक में जमा कर दिया, स्टॉक थे 4000, तो 6 और 4000 क्या होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, ड्रॉइंग समय दी है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल को हम बैलेंस शीट से बना सकते हैं और बाद में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज बना देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/2023, इजी है। जो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं फटाफट फिल कर दो, से कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के डर जाते हो, क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करते हैं। हारा वही है जो लड़ा नहीं, अगर आप खुद से हार मान लेते हो तो फिर तो हार गए ना, और आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार नहीं मान लेते। जब खुद से हार मान लोगे तो कहां से होगा, पहले डर जाते हो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते ही। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, बुक डेप्ट, बुक डेप्ट क्या होते हैं आचमन, सोचना हमें पड़ रहा है, एसेट्स होती है, डेप्टर्स होते हैं, ये वाली साइड क्या होती है हमारी, ये वाली एसेट्स, ठीक है। तो बुक डेप्ट को हम डेप्टर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये डेप्टर्स होते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया। कितना अमाउंट है बुक डेप्ट का, किताब में देखो 10,000। सक्सेना जी सीए हमारे फटाफट बताएंगे क्या है अगला, कैश इन हैंड, आगे बताओ कैश इन हैंड कितना है, 510। अगला स्टॉक कितना है, 6000। अगला फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है, चल अगला बताओ, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है फर्नीचर पे, कितना दिया हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन है, कोई बात नहीं। और फर्नीचर कितने का अमाउंट का था, 1200 का था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1200 रुपये माइनस डेप्रिसिएशन कर लो 120 रुपये, कितना आ जाएगा, 1080। चलिए अगला बताओ फटाफट, क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे 4000। अगला बैंक ओवर ड्राफ्ट 1000 के हैं। अगला बस, अब इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। टोटल करो इसका 10, 6, 16, 16 और 1, 17, 17,590। अच्छा ना जी, यही है, 10, 6, 16, 16, 1, 17,590 तो होगा, 6000 माइनस कर दो, 17,590 माइनस 6000, सॉरी 5000 माइनस करेंगे, 17,590 माइनस 5000,
बारह पाँच सौ नब्बे आ रहा होगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? बारह पाँच सौ नब्बे। तो ये क्या आ गई हमारी? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इसका हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए तो यही जगह बना लेते हैं, यही आ जाएगा, बढ़िया सी जगह है, ये बना हुआ ही है हमारा। तो यही बन जाएगा साहब साहब। चलिए चलिए बताओ क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आई? बारह पांच सौ नब्बे। ऐड करोगे इसमें क्या? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स चौबीस सौ दे रखी है, ठीक है, चौबीस सौ ऐड करो, बारह और दो चौदह, नौ सौ नब्बे। चलिए लेस करो ओपनिंग कैपिटल। अब सर ओपनिंग कैपिटल इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दी है, उसने कहा बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी लगाता है वो क्या बन जाता है? हमारा कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय उसने कितना पैसा लगाया? दस हजार रुपये लगाया, छह हजार का तो उसने क्या करा? कैश बैंक में जमा किया और चार हजार के स्टॉक। तो आपका एक फॉर्मूला बनाया था ना आपने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैपिटल निकालनी है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी हो जाती है, यही तो होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स क्या है इसका? एक तो स्टॉक है और एक क्या है? कैश एट बैंक। स्टॉक कितने का लगाया उसने? चार हजार, और छह हजार का कैश इन हैंड, कितना हो गया ये? दस। लाइबिलिटी जीरो, कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हो गई हमारी? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्या है उसकी? एक तो उसका कैश इन हैंड है, सॉरी कैश एट बैंक प्लस स्टॉक। तो कितना है ये? छह हजार, और ये कितना है? चार। छह चार कितना हो गया? दस हजार। ये जब दस हजार माइनस करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। किसी भी क्वेश्चन को करोगे तो ज्यादा समय नहीं लगता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अटकोगे जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं क्वेश्चन। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब प्रैक्टिस करो, और भी हैं कोई, और बुक्स के भी करोगे, नोट्स के भी करना, और अदर क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल्स करो, करो यार पर, है ना। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा आप मेरे को देख रहे हैं तो आप भी प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस करोगे तो अकाउंट्स बहुत आसान लगेगी। और थैंक यू वेरी मच। और एक चीज का ध्यान रखें, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे डीएम करो अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आप उसकी एक जल्दी वीडियो बना के जरूर दूंगा मैं। और जब यार चैनल पे आते हो, वीडियो को देखते हो, तो लाइक भी किया करो, अच्छा लगता है, उससे इंस्पिरेशन मिलती है और एक अच्छी वीडियो बनाने का और मन करता है, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।